नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि भू प्रायरी से सिस्टर कल्चर कैसे बनता है। अब देखो ये 200 लीटर के दो ड्रम हैं, अभी खाली हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये मदर कल्चर है, ये भू प्रायरी का मदर कल्चर है 2 लीटर, और ये भूमित्र का मदर कल्चर है 2 लीटर। अब इस 2 लीटर से हमें बनाना है 200 लीटर, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें 2 किलो गुड़, और या तो मांड मिल जाए या फिर आलू, करीब 1 किलो आलू, और दोनों को, ये पिछली बार जब हमने मदर कल्चर बनाया था तो गुड़ को उबाल के डाला था, लेकिन सिस्टर कल्चर में गुड़ को उबाल कर डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम डायरेक्टली अगर इसको डाल देते हैं और फिर रोज़ घुमाना होता है 8 से 10 दिन तक, तो सारा गुड़ घुल जाता है और ये बैक्टीरिया का भोजन होता है। गुड़ भी बढ़िया गुड़ है, अगर गुड़ तो अगर सड़ा हुआ भी गुड़ हो तो वो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए हमें बस इसमें अभी 200 लीटर पानी भरना है, और 200 लीटर पानी के बाद एक मदर कल्चर की बोतल इसमें और एक मदर कल्चर की बोतल इसके अंदर। ये 200 लीटर पानी भर लिया दोनों में, और अब इसमें हम कल्चर डालेंगे, मदर कल्चर भू प्रहरी का। ये देखो पे लिखा हुआ है प्रहरी, लेकिन भू प्रहरी का है। के कल्चर में थोड़ी सिरके जैसी खुशबू आती है। ये भूमित्र है, ये इसमें डल जाएगा। हरी बोतल, हरा ड्रम, वो बोतल नीली थी, एकदम नीला ढक्कन था उस पर, तो वो नीले ड्रम में। ये थोड़ी सी पहचान है जिससे हमें भी पता रहे, क्योंकि जो स्मेल है दोनों की सेम ही होती है और कलर भी दोनों का सेम ही होता है इनका। अब डालेंगे इसमें गुड़। इसमें करीब अगर 2 किलो गुड़ इसके अंदर डल जाए तो बढ़िया है, अभी हमारे पास गुड़ थोड़ा कम है, ये थोड़ी अवेलेबिलिटी कम थी, तो अभी हम इसमें और भी बढ़ाएंगे, कल ला के डालेंगे। तो ये जितना भी है वो हम ले आए थे, ये करीब 1.5-2 किलो होगा, और 1.5-2 किलो एक में पड़ेगा और 1.5-2 किलो एक में पड़ेगा, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। फिलहाल मैंने इसमें आधा आधा डाल दिया, और इतना ही हम कल ला के डाल देंगे। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इन दोनों के डंडे बिल्कुल अलग रखने हैं, और ये देखो मांड है, मांड भी कम है, लेकिन मांड भी क्या है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रोज 2-3 लीटर तो हो ही जाए एक ड्रम में। ये भी बैक्टीरिया फंगस का एक अच्छा भोजन है मांड, ये देखो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें एक चीज़ का और ध्यान रख रहे हैं, इन दोनों के जो डंडे हैं वो अलग अलग रखने हैं। मान लो ये डंडा मैंने भू प्रहरी में डाल दिया, तो फिर इसी डंडे से ही भू प्रहरी को हिलाना है 10 दिन तक, इसके लिए डंडा अलग रखना है, मिक्स नहीं करना मतलब। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, बाकी इसको 10 दिन तक हिलाते रहना है, और इसको कपड़े से
ऊपर कपड़ा ढककर बांध देना है ताकि इसके अंदर किसी तरह का कोई कीट और किसी तरह का कुछ पंछी वगैरह ना गिरे और ये हमारा अच्छे से बन जाए।